सुनीता सुनीता घर में हंस का हो बैठो दुलारी घर कैसे आना हो खाओ काकी टीकाकरण के दिन मुलाकात हो रही काकी लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पा रही से तो आज हाल चाल पूछ लू मिल लू की आ रही हूँ घर में मने करे साथ के एक कन बुलाबे का काकी सुनीता ला ये बुला लेता सुनीता ए, ए सुनीता बैठे सुनीता बैठ चला सुनीता कैसे है सब बने बने वो हाँ बहुत बढ़िया जात हूँ चावल चढ़ाऊ तुम बात करो हाँ काकी बैठ तो सुनीता एक कन टीकाकरण के दिन वजन खून जांच पेशाब जांच हो गई सुनीता साथ में टीका भी लगी इसका टेटनस के हाँ दीदी अभी कोई परेशानी का सुनीता उतला हाँ दीदी कमजोरी जैसे लगता है कम खाना खाता हूँ और माँ बोले है कि कम खाए कर कर सुनीता था काकी से ना मैं खान पान के बारे में बात कर लेता हूँ और मोहन भैया हाबित नहीं है घर में हाँ तो काकी और मोहन भैया लेकर बुला लेगी ना बैठ के बात कर ले वो माँ आ तो आओ हुला बुला ले बैठो आ भैया बैठ ये देख कर बैठ सुनीता सुनीता ला अपन ध्यान तो रखना है काकी लेकिन साथ में तो हूँ मल है सुनीता ध्यान रखे पड़ी रखना कैसे रखना है खाना खाता दो बार दीदी तोला ना सुनीता दिन में कम से कम थोड़ा थोड़ा करके चार बार खाना खाए के जरूरत है ज्यादा खाए से बच्चा पेट में दब जाए नहीं काकी बच्चा नहीं दबे वो सुनीता है अभी जो खाना खात ना वो अपने जबन नहीं खाती बच्चा बर भलो खाती मैं तो बोलता हूँ अच्छा से खाए कर लेकिन ये अच्छा से खाए नहीं हाँ भैया सुनीता भी जे खाना खात ना ओकर से बच्चा ला पोषण भी मिली ओकर साथ साथ बच्चा के शरीर भी बनी हाँ ओकरे से तीना सुनीता ला कमजोरी लागत है और अगर खाना कमती खाई ना तो बच्चा भी कमजोर हो सकत है हमार जमाना में ज्यादा खाए बार हमार सास मना करत रही ज्यादा खाए से बच्चा मोटा जाए तो जिसकी परेशानी होती ऐसे नहीं हुआ काकी बच्चा अगर बढ़िया रही ना तो जजकी के समय परेशानी नहीं हुई अच्छा माँ जमाना बदल गए पुराना बात ला छोड़ ठीक है जैसा चाहे वैसे करो तुम्हार मर्जी नीता अभी खाना में ते का खात हस सब्जी भात और दाल कभू कभू खात हो दीदी तुम्हार बकरी में जाम और पपीता फरे और खात हस ते नहीं खा सुनीता नहीं दीदी वाला खाए बार माँ मना करे चिंता मत कर काकी फल और खाना खाए ना बच्चा नुकसान नहीं हुआ फल खाना तो अच्छा होते ना हाँ भैया गर्भ होती ना सब प्रकार के खाना खाना चाहिए जेला हमन हा तिरंगा भोजन कथन तिरंगा भोजन वो का होते हाँ भैया तिरंगा में जैसे तीन रंग होते ना वही प्रकार से गर्भ होती जो खाना है उनमें तीन रंग होना चाहिए जैसे कि हरा है सफेद है और केसरिया है का होते उमे? हाँ भैया हरा रंग में ना जितना साग सब्जी है वो मनाते और केसरिया रंग में ना दाल अंडा मांस मछली मनाते और सफेद में ना तेल दूध दही घी मनाते अच्छा ये तीनों रंग के खाना खाए ना भैया गर्भवती के जो खून है ना वो बढ़ते ये सब चीज खाए ना बीमारी से लड़े के ताकत भी मिलते उकर साथ साथ में बच्चा भी विकास अच्छा से होते ये सब बात मुला पता नहीं से कोई बात नहीं काकी अब तो जान रही ना मैं बताऊ ता तो जेला जेला बताऊ ना ओला खिलाबे अब सुनीतल ना हाँ था सब ला था मन्ने जानत रहे ना जान रहे हैं सब ला खिलाबो हाँ सुनीता तते दिन में आराम करता नहीं है रात का नहीं दीदी काम से फुर्सत नहीं मिले और माँ का थे ज्यादा सोना ठीक नहीं काकी गर्भवती ला कम से कम दिन में 2 घंटा आराम करना चाहिए एकर से माँ और बच्चा दोनों ला अच्छा होती हमारे जमाना में तो ऐसे नहीं होती रही माँ जमाना बदल गए पहली जबकि घर में होती से अब अस्पताल में होते हाँ काकी समय के साथ बहुत बदल गए है पहली जमाना दूसरा रही से अब की जमाना दूसरा है काकी सुनीता ना खाना में सब प्रकार के खाना और पहली से ज्यादा खाना और कम से कम दिन में 2 घंटा आराम करना है एकर से सुनीता और बच्चा दोनों झला फायदा मिली काकी ते सुनीता ध्यान रख भी नहीं हो
हाँ ओकर ध्यान रखबो अब खाना खाए आराम करे अब दोनों जन ठीक रहे यही तो हम चाहा था। आप मन जो बताओ ओकर ध्यान सुनीता रखी साथ ही साथ मैं और माँ एक आराम और खाना पीना के ध्यान रखबो। बहुत बढ़िया भैया अब मैं जात हूँ ना आओ आवे दीदी। हाँ सुनीता अगले मंगलवार की ना टीकाकरण ही तो एनएम दीदी आई तो जांच पर जाए पर मत भूल में ना। हाँ ठीक है दीदी धन्यवाद काकी धन्यवाद भैया नमस्ते नमस्ते।